नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12% पर पहुंचा। स्वस्थ होने की दर 87.76% हुई। कल 2,57,000 नए रोगी मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशी मदद तेजी से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी जा रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में लॉकडाउन को और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 अतिरिक्त खुराक भेजी। रेलवे ने देश भर में 14,500 टन के करीब चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 20 दिन से कोविड के संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वाली व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि संक्रमित रोगियों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12 पर आ गया है। देश में हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.76% हो चुकी है। देश में 2,30,00,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए जमीनी स्तर के प्रयासों से संक्रमण दर घटी है। उन्होंने कहा कि कोविड जांच बढ़ाई गई है और पिछले 4 दिन से लगातार 20 लाख से ज्यादा जांच प्रतिदिन की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 20,66,000 से अधिक जांच की गई। श्री अग्रवाल ने चेतावनी दी कि लोगों को टीका लगवाने के बाद मानकों में ढील नहीं देनी चाहिए और अपने मन मस्तिष्क में दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है, जिससे पीड़ितों का उपचार किया जा सके। श्री अग्रवाल ने बताया कि फंगस रोगविधि दवा एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई गई है। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि देश के अधिकतर हिस्सों में महामारी की स्थिति स्थिर है और संक्रमित मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने दोहराया कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कोविड मानकों का पालन जरूरी है। डॉ वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन लेने वाली माताएं शिशुओं को स्तनपान करवा सकती हैं।
क्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है एक दो दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है, तो मैं क्लियरली कहूंगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे ये ही होना चाहिए। किसी भी रीजन से स्तनपान बच्चे को ना मिले ये किसी भी एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। देश में कल 3,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 87.76% हो गई है। अब तक 2,30,00,000 स्वस्थ हुए हैं। कल एक दिन में 2,57,000 से अधिक नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 4,000 से अधिक मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई। वर्तमान में 29,00,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 32,64,00,000 कोविड की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 21,00,000 जांच की गई। देश में अब तक 19,33,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में पूरी वयस्क आबादी को कोविड टीका लगा दिया जाएगा। डॉ हर्षवर्धन ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि देश में अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अब भी कोरोना के 1,60,00,000 से ज्यादा टीके मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 21,33,00,000 से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इनमें से 19,73,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस आंकड़े में बर्बाद हुई वैक्सीन की संख्या भी शामिल है। अगले तीन दिन में राज्यों को 2,67,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के टीकाकरण के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्र ने कहा है कि टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच जागरूकता के समग्र प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि सभी कोविड देखभाल केंद्रों और टीकाकरण केंद्रों को ट्रांसजेंडर लोगों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि टीकाकरण के लिए ट्रांसजेंडर लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मिल रही मदद को तेजी से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 16,530 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 11,000 से अधिक वेंटिलेटर तथा 6,60,000 रेमडेसिविर टीके भेजे जा चुके हैं। पिछले दो दिन के दौरान कतर, ब्रिटेन में वेल्स सरकार, कनाडा और जर्मनी में रॉबर्ट बोश से प्रमुख रूप से मदद मिली है। रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 14,500 टन चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 224 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। इस समय यह एक्सप्रेस गाड़ी रोजाना 800 टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में म्यूकोर माइकोसिस की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आज 23,680 अतिरिक्त एम्फोटेरिसिन बी की खुराक भेजी गई है। श्री गौड़ा ने ट्वीट में कहा कि ये आवंटन रोगियों की संख्या को देखकर किया गया है। देशभर में लगभग 8,848 मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अस्पतालों को नमी बढ़ाने वाले उपकरण में डिस्टिल वाटर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। अस्पतालों में नमी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर में नल का पानी इस्तेमाल करने के कारण कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डॉक्टर सुधाकर जी ने बताया है कि आईसीयू में रखे उपकरण और ऑक्सीजन पहुंचाने की नली में भी फंगस पाया गया है। इसी कारण कमेटी ने सलाह दी है कि हर एक रोगी को एडमिट करते ही उपकरण को सैनिटाइज करना आवश्यक है। ब्लैक फंगस चिकित्सा पाने वाले सभी रोगियों को फॉलो अप चेकअप आवश्यक है। स्टेरॉइड्स और एम्फोटेरिसिन बी दवा ले रहे रोगी की नियमित जांच जरूरी है। चेहरे में दर्द, नाक से दुर्गंध, चिड़चिड़ापन और आंखों में समस्या हुई तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है। घर पर ऑक्सीजन ले रहे रोगी शुद्ध पानी का उपयोग करना आवश्यक है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जयपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के नियंत्रण और उपचार के लिए उपाय किए हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए शहरों के 20 अस्पतालों को अधिकृत किया है। इन अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। निजी अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज की दरें भी निर्धारित की गई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इस बीमारी के रोगियों के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसमें 80 से ज्यादा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके उपचार के लिए पटना के 4 अस्पताल एम्स, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच में विशेष प्रबंध किए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभी तक ब्लैक फंगस के 174 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन एक सप्ताह और बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। दवा, दूध और पेट्रोल पंप की आवश्यक वस्तुओं संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी। ई पास केवल आपात चिकित्सा और अंतिम संस्कार के लिए जारी किए जाएंगे। ई कॉमर्स सेवाओं को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। उधर कर्नाटक सरकार ने राज्य में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा 24 मई को खत्म हो रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड उपचार की दवाएं लोगों को उपलब्ध कराने और दवाओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीलरों, खुदरा व्यापारियों और विक्रेताओं को ऐसी दवाओं के भंडारण और कीमतों के बारे में उचित जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने औषधि नियंत्रकों, जिला अधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराने को कहा है। श्री बैजल ने कहा कि इसी तरह का आदेश ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर के बारे में भी जारी किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक ग्राम पंचायत ने हल्के लक्षण वाले कोविड रोगियों तक पहुंचने के लिए एक नई पहल शुरू की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विभिन्न स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी महाराष्ट्र के पालघर जिले के उंबरपाड़ा ग्राम पंचायत के साथ हाथ मिलाया ताकि कोविड पॉजिटिव रोगी जो होम आइसोलेशन में है उन्हें दवाई की किट वितरित की जा सके। डॉक्टरों की सलाह के बाद मरीजों को यह दवाई की किट वितरित की जाती है। ग्राम पंचायत ने अपने इस कार्यक्रम के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की मदद ली है। दवाई के किट के बारे में संदेश ग्राम पंचायत के सदस्यों के ग्रुप में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया और उसके बाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इन संदेशों को स्वयं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा वायरल कर दिया गया। इसके अलावा उंबरपाड़ा ग्राम पंचायत ने इन दवाओं की किट्स को 25 पड़ोसी ग्राम पंचायतों को वितरित किए, जिसकी वजह से 700 से अधिक रोगियों को इस कार्यक्रम का लाभ मिला। किट बांटने से पहले मरीज का आधार कार्ड विवरण और फोन नंबर लिया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत इन रोगियों से उनके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में जानने के लिए संपर्क में रहते हैं। अगर किसी मरीज को दवाओं से राहत नहीं मिलती है तो उसे कोविड केयर सेंटर या निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यह अनूठी पहल निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम दे रही है। पालघर से नीतू चौरे के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घर पर रहकर उपचार ले रहे मरीजों के लिए आज होम आइसोलेशन किट जारी की। आइसोलेशन किट वितरित करने वाले 11 वाहनों को रवाना किया गया। हिमाचल कोविड देखभाल एप्लीकेशन और ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार प्राप्त करने के लिए बिलासपुर एम्स के ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म की भी शुरूआत की गई। केंद्रीय वित्त राज्य और कंपनी कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी से संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य इनकी मदद से कोविड स्थिति से सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी की पहली लहर के दौरान दुनिया के 195 देशों को जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई थीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के एंड्रोक्रिनोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ निखिल टंडन कोविड महामारी के दौरान मधुमेह तथा ब्लैक फंगस प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12% पर पहुंचा। स्वस्थ होने की दर 87.76% हुई। कल 257,000 नए रोगी मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशी मदद तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में लॉकडाउन को और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 अतिरिक्त खुराकें भेजी। रेलवे ने देशभर में लगभग 14,500 टन चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की उस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कोविड के नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा है। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि टिप्पणी भारत का अपमान है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे। और उन्होंने आगे कहा, यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। कांग्रेस के बयान क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देश का तो अपमान है ही, लेकिन देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी भी वेरिएंट का नाम किसी देश के नाम पर नहीं रखा है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता के बीच भय और भ्रम पैदा करने तथा महामारी के विरुद्ध भारत के संघर्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जब कोवैक्सीन टीका लाया गया तो कांग्रेस ने इसे भाजपा वैक्सीन करार दिया, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब विपक्षी पार्टी कह रही है कि इस टीके को लगवाने वाले लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया चल रही है और इस टीके के संबंध में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए 30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कोई उत्सव नहीं मनाएगी। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में जनता की सेवा का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। श्री नड्डा ने पार्टी नेताओं से कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों को सहयोग देने के लिए योजना तैयार करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में ब्लैक फंगस बीमारी को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। श्री मोदी को लिखे पत्र में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने के कारण इसके इलाज से जुड़ी दवाओं के पर्याप्त उत्पादन और सुनिश्चित आपूर्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर कल उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना काल में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के विकल्प तलाश रहे हैं।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्डों सीबीएसई और आईसीएसई ने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा संस्थानों ने भी पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप केंद्र योजना ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। ये योजना 1 अप्रैल 2015 को पूरे देश में हिंसा और विपत्ति से प्रभावित महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए लागू की गई थी। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 701 वन स्टॉप केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी में संकट से घिरी या हिंसा से प्रभावित महिलाएं त्वरित सहायता और सेवाओं के लिए अपने निकटतम केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। केंद्र ने देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने के लिए आवश्यक शोध और अनुसंधान के लिए नई पहल शुरू की है। विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड ने शिक्षण और शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योगों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित करने के लिए नवाचार प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। ये ऑक्सीजन को अलग करने वाले उपकरणों से लेकर तेल रहित कंप्रेसर और वॉल्व जैसे जटिल उपकरणों के विकास, प्रारूप और इसके उत्पादन, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रारूप में सुधार तथा एआई अनुकूल ऑक्सीजन प्रवाह उपकरण और ऑक्सीजन स्तर संबंधी सेंसर से संबद्ध होंगे। प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में एसईआरबी के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल www.serbonline.in पर 15 जून से पहले जमा कराए जाने चाहिए। बेंगलुरु के स्टार्टअप पैथ शोध हेल्थकेयर ने एक ऐसी एलिजा जांच तकनीक विकसित की है। इससे कोरोना की जांच के लिए लिए गए नमूने में एंटीबॉडी का सटीक आकलन किया जा सकता है। ये तकनीक एंटीबॉडी को जांचने की अपनी तरह की पहली तकनीक है। इससे ये पता लगाना आसान होगा कि नमूने में एंटीबॉडी किस अनुपात में मौजूद है। पैथ शोध ने इस तकनीक के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। कोविड महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए आज एक वेबिनार फाइंडिंग द लाइट मेंटल वेबलिंग एंड द पैंडेमिक का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में सद्भावना और समझ पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी एक सार्वभौमिक समस्या है जिसका सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामना कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नियमित दिनचर्या, अच्छा भोजन और नींद, पर्याप्त व्यायाम, शांत विचार और समस्याओं को पहचानने तथा उनके समाधान की रणनीति सीखने पर बल दिया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि योग, संगीत, दूसरों से संपर्क और प्राणायाम से आराम अनुभव किया जा सकता है। लोगों को ऐसी चीजें करनी चाहिए जिनसे उन्हें आनंद का अनुभव होता है। इस वेबिनार का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय तथा महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने संयुक्त रूप से किया था। कोविड संकट से जूझ रहे देशवासियों को प्रख्यात व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय ने संदेश देते हुए कहा है कि हमें कोविड से डरना नहीं, लड़ना है। निश्चित ही ये हम सब के लिए पूरी मानवीय सभ्यता, जीवन मूल्यों, मानव जीवन के लिए कठिन समय है। पिछले 1.25 वर्ष से कोरोना जैसे हमारी परीक्षा ले रहा है। जब आपदा आती है तो लोगों के असली रंग दिखने लगते हैं। एकजुटता एक बहुत बड़ी थीम है और कोरोना महामारी हमें सिखा रही है कि इंसानों में नफरत करने से ज्यादा पसंद करने की वजह मिल रही है। निश्चित ही एक भय हम जी रहे हैं, पर मेरा मानना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोरोना नहीं है, ये भय है। डर दवा नहीं है, रोग है। हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यही विपत्ति नहीं, हर विपत्ति में। मुझे तुलसीदास का एक दोहा याद आता है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा, पंडित द्विवेदी ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम गढ़े। उनका निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आगामी चक्रवाती तूफान को देखते हुए किसी आपदा से निपटने के लिए ओडिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है, जिससे कल तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट पर पहुंचने से पहले यह अति भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। राज्य प्रशासन तूफान आने से पहले के एहतियाती उपाय कर रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ तूफान यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्री गौबा ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी उपाय समय रहते कर लिए जाने चाहिए, जिससे जान और माल की हानि कम से कम हो। उन्होंने तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी नौकाओं और जहाजों का जल्द से जल्द तटों पर लौटना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री गौबा ने कहा कि कोविड रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और कोविड अस्पतालों तथा देखभाल केंद्रों के कामकाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली, दूरसंचार तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को बहाल करने की भी तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग बनाकर काम करने का निर्देश भी दिया। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने समिति को चक्रवात की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। इसके बुधवार शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से तटीय जिलों में 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 65 दल तैनात किए गए हैं और 20 को तैयार रखा गया है। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के दलों को पोत तथा विमानों के साथ तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में आज आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और माहे में कल कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्र में 1 मीटर से 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में इन प्रयासों से अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इन महिलाओं को टीकाकरण केंद्रों में स्थापित हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया है, जहां ये लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीयन कराने से लेकर अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर कोटवार, ग्राम पटेल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों के साथ ही अन्य स्थानीय लोगों को मिलाकर टीमें बनाई गई हैं। ये टीम ग्रामीणों के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। राज्य के सरगुजा संभाग में सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के गांवों के साथ ही मैनपाट इलाके में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों ने टीकाकरण को लेकर जागरूकता की मिसाल पेश की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने जल संकट को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के मौदा में 150 से अधिक गांवों की मदद की है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनटीपीसी मौदा को जल की अधिकता वाली तहसील में बदलने में सफल रहा है। पिछले 4 वर्षों में 150 से अधिक गांवों ने इस योजना का लाभ उठाया है। नरिंदर बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। श्री बत्रा 2024 तक इस पद पर रहेंगे। वो भारतीय ओलंपिक महासंघ आईओए के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य भी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12% पर पहुंचा। स्वस्थ होने की दर 87.76% हुई। कल 2,57,000 नए रोगी मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशी मदद तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में लॉकडाउन को और बढ़ाया गया।
केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 अतिरिक्त खुराक भेजी। रेलवे ने देश भर में लगभग 14,500 टन चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। और नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।